बाबा साहब अंबेडकर और माता रमाबाई, जिन्होंने कैसे दुख कैसे कष्टों का सामना किया इस बहुजन समाज के लिए, लेकिन आज हमारी माताएं बहनें बाबा साहब के उपकारों को एहसानों को भूली बैठी हैं। बाबा साहब अंबेडकर जब अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन जा रहे थे बहनों, तो जैसे कि क्या होता है आज के समय में भी, अगर आपके पति, आपका भाई, आपका बेटा कहीं बाहर जाने लगे तो आपकी भी इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ हम भोजन की व्यवस्था करके दे दें जो रास्ते में खा ले जा करके। बाबा साहब अंबेडकर जब लंदन को चले हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो माता रमा सोचती कि मैं अपने साहब के लिए क्या दे दूं जो मेरे साहब रास्ते में जाके कुछ खा लेंगे। उस समय पर माताओं बहनों, माता रमा ने क्या किया था कि जैसे जब शाम के समय भोजन करती थी, पूरे परिवार के लोग भोजन करते थे, तो जो भी आधी टुका रोटी बच जाया करती थी उस रोटी को सुखा करके माता रमाबाई रख दिया करती थी। बाबा साहब अंबेडकर जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चले हैं तो वही रात की बची खुची रोटी जिनको सुखा करके कूट पीस करके उसमें थोड़ी सी चीनी मिला करके और लड्डू बना दिए। काहे के लड्डू बना दिए? बासी रोटी के। काहे के? बासी रोटी के। अब सोचो, लोग कहते हैं कि भाई बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब इतने मजबूर नहीं थे मेरे भैया। सोचो, बाबा साहब इतने मजबूर थे, इतने मजबूर नहीं थे। बाबा साहब अगर चाहते वो अमेरिका पढ़ने गए, लंदन गए, जर्मन गए, छुआछूत इस देश में थी, दूसरे देशों में नहीं थी। बाबा साहब चाहते तो विदेश जहां पढ़ने गए वहीं पे कोई अच्छी से अच्छी नौकरी कर लेते और आराम से उनका परिवार जीवन जीता, कोई दुख कोई तकलीफ उठाना नहीं पड़ता उनके परिवार को। लेकिन बाबा साहब विदेश पढ़ने तो गए, हमेशा इस देश के शोषित पीड़ित वंचित लोगों की याद उन्हें सताती रही। वापस लौट कर फिर इसी देश में आए और इस समाज के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। बहनों याद रहे, आप लोग सुने कि बाबा साहब अंबेडकर जब जा रहे हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो माता रमाबाई ने क्या किया, रात की बची खुची रोटियों को सुखा करके कूट पीस करके थोड़ी सी चीनी मिला करके और उन बासी रोटी के लड्डू बना दिए और एक पोटली में बांध दिया कि साहब रास्ते में जाकर के खा ले। बाबा साहब अंबेडकर लंदन पहुंच गए, अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग गए। और उसके बाद होता क्या है कि बाबा साहब जब लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मेरे भैया जब लंच का टाइम होता है तो हर कोई जाकर के बाहर से कुछ ना कुछ खा पी के आ जाता है, लेकिन बाबा साहब वहां से हिलते भी नहीं है। बाबा साहब पढ़ते रहते हैं और जब देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं बचा तो अपनी कोट की जेब में हाथ डालते हैं और वही बासी रोटी के लड्डू एक दो जो अपनी जेब में डाल के ले जाते थे जब पढ़ने के लिए जाते थे लाइब्रेरी में, तो जब सब लोग चले जाते हैं तो बाबा साहब इधर उधर देखते हैं, वहां कोई नहीं बचा तो कोट की जेब में हाथ डालते हैं और एक दो लड्डू वही खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं और फिर से पढ़ने में लग जाते हैं। बाबा साहब का एक अंग्रेज मित्र था, वो अंग्रेज मित्र सोचता है कि अरे मतलब पूरा दिन अंबेडकर बैठ के पढ़ते ही रहते हैं, ये कुछ खाते पीते क्यों नहीं है, अरे हम लोग तो जा करके बाहर से खा पी आते हैं लेकिन ये यहाँ से हिलते भी नहीं है। तो उस अंग्रेज मित्र ने सोचा जरूर कुछ बात है। दूसरे दिन क्या हुआ, वो अंग्रेज मित्र कहीं पे छिप गया, लंच का टाइम हुआ, सभी बाहर निकल करके चले गए, बाबा साहब अंबेडकर इधर उधर देखा वहां पे कोई नहीं है तो कोट की जेब में हाथ डाला और क्या किया, वही बासी रोटी के लड्डू निकाल के जैसे वो खाने को हुए तब तक वो अंग्रेज मित्र सामने आ गया और लपक करके उन लड्डू को छीन लिया और कहा अच्छा अंबेडकर तो ये बात है, मतलब इसीलिए आप बाहर नहीं निकलते, ये स्वादिष्ट लड्डू बैठ करके यहाँ पे खाते हैं इसीलिए आप बाहर नहीं निकलते, हमें लगा कि आप मतलब दिन भर ऐसे क्यों पढ़ते रहते। अब बाबा साहब अंबेडकर मेरे भाई अवाक थे, मतलब वो कुछ नहीं बोल पाए, चुपचाप खड़े हैं और वो अंग्रेज मित्र क्या कहता है कि अब तो ये लड्डू मैं खाऊंगा, क्योंकि उसको देखने में थोड़ी पता ये क्या चीज है, उसे लगता कोई बढ़िया चीज है अंबेडकर अपने देश से लेके आए हैं। तो वो अंग्रेज मित्र कहता है कि ये लड्डू अब मैं खाऊंगा।
बाबा साहब कहने लगे, भाई ये लड्डू आपके खाने योग्य नहीं है। वो अंग्रेज मित्र कहता, अरे है क्यों नहीं, आप तो रोज खाते हो इसीलिए आप इतने विद्वान हो, आप ऐसी चीजें खाते हो इसीलिए विद्वान हो, और ये लड्डू अब मुझे खाना है। वो अंग्रेज मित्र मतलब मजाक में कह रहा है, बाबा साहब को चिढ़ा रहा है, हंस रहा है। बाबा साहब की आंखों में आंसू छलक आए हुए। बाबा साहब ने कहा, मित्र आप समझ नहीं रहे हैं, अरे ये लड्डू नहीं, ये मेरी गरीबी मेरी विपन्नता की निशानी है, ये मेरी विपन्नता की मेरी गरीबी की निशानी है। अंग्रेज मित्र ने कहा, कैसे? तो बाबा साहब ने कहा, ये लड्डू जो मित्र आपने अपने हाथ में ले रखा है, ये कोई स्वादिष्ट लड्डू नहीं है, बल्कि ये रात की बची खुची रोटियों को सुखा कर कूट पीस कर चीनी मिला करके बनाया गया, मतलब ये बासी रोटी का लड्डू है। और इतना कह करके बाबा साहब रोने लगे, बोले भाई हमारे देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनको ये बासी रोटी भी नसीब नहीं होती, हमारे देश में लाखों परिवार ऐसे हैं, लाखों हमारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बासी रोटी भी नहीं मिलती, पीने को साफ स्वच्छ पानी नहीं मिलता, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, रहने को अच्छा घर मकान नहीं मिलता, इज्जत और सम्मान नहीं मिलता। अरे उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया, उन्हीं के लिए अपने समाज को ये सारे सुख सम्मान दिलाने के लिए, ये खोए हुए हक अधिकार दिलाने के लिए मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ कि मैं उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करके उन लोगों को, अपने उन समाज के लोगों को जिनको ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उन तक मैं ये अधिकार पहुँचाने का काम करूँगा और उनको इज्जत सम्मान की जिंदगी दिला के रहूँगा। माताओं बहनों, बाबा साहब की जब बात सुनी तो वो अंग्रेज मित्र की आंखों में आंसू आ जाते और अंग्रेज मित्र कहने लगा, अंबेडकर आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप महान हैं, और आपसे ज्यादा महान है आपकी पत्नी रमाबाई, जो खुद अकेले गरीबी में जीवन बिता रही है, परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही है, लेकिन इतने कष्टों में, इतनी मुसीबतों में, इतनी गरीबी में भी आपको विदेश पढ़ने के लिए भेजा है। अगर मैं कभी भारत आया तो उस माँ के चरणों की धूल अपने मस्तक से जरूर लगाऊंगा जो खुद इतने दुख उठा रही, कष्ट उठा रही, लेकिन आपको इस समाज के लिए विदेश पढ़ने के लिए भेजा है। इतना कहकर वो अंग्रेज मित्र बाबा साहब से लिपट करके रोने लगता है। माताओं बहनों, तो ये सोच थी बाबा साहब की, बाबा साहब अगर चाहते तो हंसी खुशी का जीवन बिता सकते थे, उनके पास सुविधाएं थी, भाई विदेश में कोई भी नौकरी कर लेते, आराम से उनका परिवार जीवन जीता, लेकिन बाबा साहब को हमेशा इस दीन दुखी समाज की चिंता बनी रही और इस दीन दुखी समाज के लिए वो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, खुद भूखे रहे, खुद प्यासे रहे, लेकिन इस समाज की चिंता को लेकर के आगे बढ़े और इस समाज को अच्छी जिंदगी दे गए, अच्छा रास्ता दे गए, अच्छी स्थिति में पहुंचा गए, लेकिन फिर भी आज बहुजन समाज बाबा साहब के उपकारों को भूल गया। तो बहनों, बाबा साहब के एहसानों को, माता रमाबाई के एहसानों को, उपकारों को भुलाना नहीं है। बोलो बाबा साहब अमर रहे, माता रमाबाई अमर रहे।